Hey everyone, welcome back to our Crispy Villa. I hope you all are doing great. तो आज की हमारी स्पेशल रेसिपी है कढ़ी पकौड़ा. जैसा कि आप देख ही रहे होंगे वीडियो में, हमारी कढ़ी पकौड़ा कितनी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है और उसका कलर कितना ही प्यारा आया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कढ़ी पकौड़ा बनाना. तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप बेसन और 1/2 किलो दही लिए, जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था. तो हम इसको, दही को हम एक बाउल में डालेंगे, बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे. पहले हम थिक बैटर बनाएंगे, उसके बाद हम इसमें धीरे धीरे करके ऐड करेंगे हमारा दही. तो यहाँ पर मैं डालूँगी हल्दी, 1/2 टेबल स्पून हल्दी डाली है मैंने, एंड 1/4 टीस्पून मिर्च डाली है. मिर्च हम बाद में ऐड करेंगे जब तड़का लगाएंगे. तो यहाँ पे मैंने बची हुई दही भी ऐड कर दी है, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे. तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है बैटर का. तो हम अब कढ़ी बनाना, ये बनाने के लिए हमने भगोना ले लिया है, उसमें मैंने डाला है राई. राई के बाद डाली है मैंने मेथी दाना, 1/2 टेबल स्पून मेथी दाना लिया है, 3 से 4 हरी मिर्च ली जिसको मैंने स्प्लिट कर लिया था, और क्रश किया हुआ साबुत धनिया. इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे. मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने लिए दो पिंच हींग. हींग को भी हम डाल देंगे. इसके बाद हम हमारा बैटर जो हमने बनाया था कढ़ी के लिए वो डाल देंगे. यहाँ पर मैंने हमारी फ्लेम को धीरे रखना है, तेज नहीं करना. अगर आप तेज रखोगे फ्लेम तो आपके बैटर में गांठे भी बन सकती हैं, तो याद रखें आप फ्लेम धीमी ही रखें. तो यहाँ पर हमने कढ़ी, हमने हमारा बैटर डाल दिया है, और यहाँ पर मैंने 4 ग्लास पानी ऐड किया है कढ़ी डाल बनाने के लिए. आपको अगर कढ़ी जिस हिसाब से आपको रखना, आप उस हिसाब से रख सकते हैं. तो यहाँ पर देखिए, इसको घुमाते रहना है हमें, हमें इसको रोकना नहीं है जब तक हमारे कढ़ी में उबाल नहीं आता है. अगर हम नहीं घुमाएंगे तो हमारी कढ़ी नीचे से लग सकती है और हमारी कढ़ी का कलर भी अच्छा नहीं आएगा. तो देखिए, हमारी कढ़ी में उबाल आ चुका है. ये मैं कम से कम 15 मिनट बाद देख रही हूँ, तो ये आप देख ही सकते हैं हमारी कढ़ी में कितना अच्छा उबाल आ चुका है. तो इसको हम रख देंगे कम से कम 1/2 घंटे के लिए. आप जितनी देर तक रखेंगे कढ़ी, उतनी ही अच्छा इसमें कलर आता है और उतनी ही टेस्टी बनती है. तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ पकौड़े बनाने की. पकौड़े बनाने के लिए लिए है मैंने 1 कप बेसन, मिर्च, हल्दी, धनिया एंड प्याज. इन सभी को मैंने मिक्स कर लिया था. मिर्च और धनिया को मैंने बारीक बारीक काट लिया था. इन सभी को मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा थोड़ा पानी. पानी को हमें एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि हमें थिक बैटर बनाना है पकौड़ों के लिए. थिक बैटर बनाने के बाद आपको अच्छे से इसको फेंटना है. तो आप देख ही सकते हैं मैं कितने अच्छे से इसको फेंट रही हूँ. कम से कम आपको 5 से 6 मिनट तक इसको फेंटना है, ताकि हमारा जो बैटर है वो अच्छे से, ये देखिए हमारा बैटर पानी से ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा बैटर अच्छे से फेंट चुका है. तो चलिए हम पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर मेरा पैन भी गर्म हो चुका था, और आप, मैं पकोड़े बनाना स्टार्ट कर रही हूँ. ये देखिए, मैं छोटे छोटे बना रही हूँ, आप चाहें तो बड़े ही बना सकते हैं. क्योंकि मैं छोटे इसलिए बना रही हूँ, ये सिक कर बड़े हो जाएंगे और उसमें जाके और भी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे. तो आप देख ही सकते हैं कि हमारे पकोड़े कितने अच्छे से बन के तैयार हो गए हैं, क्योंकि हमने बैटर को अच्छे से सेक लिया, फेंट लिया था. तो इनका कलर भी आप अगर डार्क रखना चाहते हैं तो डार्क रख सकते हैं, अगर लाइट रखना चाहते हैं तो आप लाइट भी रख सकते हैं. मैंने कलर डार्क नहीं रखा है, लाइट ही रखा है. तो अब मेरे पकौड़े सिक्का तैयार हो चुके हैं. तो आप देख सकते हैं मैंने इसको टिश्यू पेपर पे निकाल लिया है. तो इसी तरीके से मैंने सभी पकौड़ों को बना के तैयार कर लिया है. आपको मैं दिखा भी सकती हूँ कि कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हमारे पकौड़े. ये देखिए, आप देख ही रहे होंगे ए पॉकेट कितने अच्छे तरीके से हमारा बैटर फिटा भी था और बने हुए हैं हमारे पकोड़े. तो यहाँ पर हमारी कढ़ी
कम से कम आधा घंटा हो गया है और हमारी कढ़ी में कितना अच्छा कलर आया आप देख ही सकते हैं। तो अब चलिए हम इसमें पकोड़े ऐड कर देते हैं। तो मैंने कढ़ी को बंद कर दिया था, उसके बाद मैं 2-3 मिनट बाद इसमें पकोड़े ऐड कर रही हूँ। पकोड़े ऐड करने के बाद इसमें हम तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए मैंने पैन गरम कर लिया था, इसमें मैंने ऐड किया है जीरा और क्रश किया हुआ धनिया, साबुत धनिया है ये, और 3 से 4 लाल मिर्च। इसके बाद मैं लाल मिर्च भी ऐड करूँगी, साबुत लाल मिर्च पिसी हुई, जिससे कि कलर अच्छा है, क्योंकि हमने शुरू में कम डाली थी तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा कलर आया हमारी कढ़ी में। सो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई उसको लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।